चरण कमल छिन्न मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायक्ष वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् सिंह भये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदिदीर्षुतां तमुन्नं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्यास गीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीष शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। चारि मन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरी जीवनी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंधन नाश है विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल भागवत महापुराण की जय सब संत हरि भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरु जी महाराज की जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम हरि शरणम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो भक्त वत्सल करुणा अरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु अकारण करुणा अरुणालय भगवान श्री राधा कृष्ण चंद्र जी की महती कृपा करुणा से श्रीमद भागवत जी की मंगलमयी रसमयी चर्चा कहने सुनने का परम सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। श्री ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है। ये ऐसे बानक जीवन में श्री ठाकुर जी की कृपा से ही बनते हैं। ये जब किसी को करुणा भरी नजर से देखते हैं तब जीव के ऊपर ऐसी कृपा होती है कि उसे सत्संग प्राप्त होता है, नहीं तो महाराज ये जीवन जो है बड़ा दुर्लभ अमूल्य जीवन जो जिस देह प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं वह शरीर हमें प्राप्त हुआ, और प्राप्त करके भी यदि जीवन में सत्संग नहीं मिला, यदि जीवन में सत्संग मिला तो भैया फिर जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जीवन का वे लोग कोई लाभ नहीं ले पाते जिनको जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, उनका जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हमें श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा कह सुन करके हम सबको सत्संग की प्राप्ति हो रही है। दिन जिंदगी के कितने यों ही गुजर गए। जब तक सत्संग नहीं मिला, आपकी कथा नहीं मिली, आपकी कृपा नहीं हुई, तब तक दिन जिंदगी के कितने यों ही गुजर गए। कितने ही बार जग में जी जी के मर गए, कितनी ही बार जग में जी जी के मर गए। कितनी बार हम लोगों को जन्म मिला, कितनी बार हम लोगों को इस पृथ्वी पर शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ, कितनी बार मनुष्य भी बने होंगे, लेकिन बिना सत्संग के, बिना भगवान की भक्ति के, बिना ठाकुर जी के चरणों के आश्रय के हम लोगों के कितने जीवन इस प्रकार यूं ही व्यर्थ बीत गए। दिन जिंदगी के कितने यूं ही गुजर गए, कितने ही बार जग में जी जी के मर गए। हे धन्य वे ही जग में, हे धन्य वे ही जग में, सब आस छोड़ करके
जो भेंट अपना जीवन मोहन को कर गए, हैं धन्य वे ही जग में जो सब आस छोड़ करके भेंट अपना जीवन मोहन को कर गए। जो भेंट अपना जीवन मोहन को कर गए, माने मनुष्य जीवन का लाभ तो उन लोगों ने ही प्राप्त किया, उन भाग्यशाली जनों ने प्राप्त किया। वे धन्य हो गए, वे कृतकृत्य हो गए, वे कृतार्थ हो गए, जो सारी आशाओं को कामनाओं को त्याग करके अपना जीवन अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में कर दिया, वे धन्य हो गए। जो भेंट अपना जीवन मोहन को, जिन्होंने अपनी खुदी को मिटा दिया उन्होंने खुदा को पा लिया, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल तुच्छ बना दिया, तिनके के समान बना दिया, और तिनके के समान बना करके ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान उनको मिल गए। और जो मैं मेरी में रह गई हैं, जो अपना कुछ महत्व अपना कुछ गुण समझ करके उस अहंकार में भरे ही रह गई, और जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया उनका जीवन तो व्यर्थ हो गया। ये वासना की सैया हम कब से सो रहे हैं, ये वासना की सैया हम कब से सो रहे हैं, वे प्राणनाथ अपने बिल्कुल बिसर गए, वे प्राणनाथ अपने बिल्कुल बिसर गए। दिन जिंदगी के कितने यों ही गुजर गए, कितने ही बार जग में जी जी के मर गए। जिस जिससे करी आशा, ध्यान दीजिए, जिस जिससे करी आशा धोखा ही हुआ है संसार में, जिस जिससे करी आशा धोखा ही हुआ है, वे झूठे संगी साथी जाने किधर गए। वे झूठे संगी साथी जिनको हमने अपना बनाया और जिनके लिए हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, वे तो महाराज झूठे निकले, धोखेबाज निकले, अब वे हमको बीच राह में छोड़ करके ही न जाने कहाँ चले गए। वे झूठे संगी साथी जाने किधर गए। इसलिए ए राम संग तज के, ए राम संग तज के कर संग श्याम से, अथवा दुनिया का संग तज के, दुनिया का संग तज के कर संग श्याम से, हम जग के साथियों से हैं खूब डर गए, हम जग के साथियों से हैं खूब डर गए, बिन जिंदगी के कितने यों ही गुजर गए, कितने ही बार जग में जी के मर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया यदि आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो,
कल्याण चाहते हो, आनंद समुद्र में डूब जाना चाहते हो, तो श्री ठाकुर जी से संबंध जोड़ लो, भगवान से संबंध जोड़ लो। और यदि आफत चाहते हो, दुख चाहते हो, अशांति चाहते हो, परेशानी झंझट जंजाल चाहते हो, तो शरीर से संसार से संबंध जोड़ लो। फैसला आपके हाथ में है, शरीर से संबंध जोड़ना है, संसार से संबंध जोड़ना है, कि ठाकुर जी से संबंध जोड़ना है, ये आपके हाथ की बात है। आज महाराज बाजार में, आज हम सवेरे बाजार में गए तो वहां एक व्यक्ति, वो एक नई उम्र का ही एक नौजवान लड़का ही था, और वो महाराज वो हमसे बोला, उसकी दुकान पर हम गए थे तो वो बोला, महाराज संसार में सब दुखी क्यों हैं? वो बोला, महाराज संसार में सब दुखी क्यों हैं और सुखी होने का क्या उपाय, आदमी कैसे सुखी हो सकता है? तो मैंने कही, भाई अब हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुकान पे आए हैं, जिसके लिए तो बड़ी विस्तृत चर्चा हो, बैठ करके सत्संग हो, तब तो कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, समझा जाए। पर एक बात समझ लो बहुत संक्षिप्त में, समझने की बात यही है कि हमने शरीर से संसार से संबंध जोड़ लिया है, झूठे संबंध को सच्चा मान लिया है, यही हमारे दुख का कारण है। जब इनसे संबंध टूट जाएगा और श्री ठाकुर जी से संबंध दृढ़ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, भगवान से तो संबंध हमारा है ही, सनातन संबंध है, लेकिन उस संबंध को हम भूल गए, भूलने के कारण हमें दुख उठाना पड़ रहा है। जैसे कोई बहुत बड़े धनी अम्मानी व्यक्ति का कोई बेटा हो और वो बचपन में बिछड़ जाए, कहीं दूर हो जाए, अलग हो जाए, बिछड़ जाए, और वो भूल जाए कि मेरा पिता तो इतना बड़ा आदमी है, धनी है, बहुत अमीर है, और वो महाराज गरीबी का दुख सहे, दरिद्रता का दुख सहे, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसकी भूल। अगर उसको याद आ जाए और वो अपने पिता के पास पहुंच जाए, तो पिता उस बिछड़े हुए बेटे को गोदी में बिठा लेंगे, हैं? बहुत दिन से बिछड़ा है तो पिता भी तो चाहते हैं अपने बिछड़े हुए बेटे को मिलना, बिछड़े हुए बेटे की ही आवश्यकता नहीं है, भगवान भी चाहते हैं, हमारे जो पिता हैं वे भी चाहते हैं कि बिछड़ा हुआ जीव है, बहुत समय से मुझसे दूर हो गया, बिछड़ गया, अब ये शीघ्रता पूर्वक मेरे पास आ जाए, मैं इसको हृदय से लगा लूं। मेले में बिछड़ गए तो महाराज पिता भी चाहता है, माता भी चाहती है कि हमारा बालक हमें मिल जाए, और बालक को यदि अपने माता पिता का ठिकाना मिल जाए और पहुंच जाए और वहां जाकर के कहे कि महाराज मैं तो आप ही का पुत्र हूँ, तो वे माता पिता उसको गोदी में बिठा लेंगे और उसका गरीबी का, दरिद्रता का जो दुख है वो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता तो बड़े अमीर हैं ना, बड़े धनी हैं। ऐसे ही हम सब लोग भगवान के अंश हैं, आनंद सिंधु के अंश हैं, ठाकुर जी के बच्चा हैं, भगवान के बालक हैं। हम लोग क्यों दुखी हैं? संबंध भूल जाने के कारण दुखी हैं, संबंध भूल गए हैं इसलिए दुखी हैं। सुखी होना चाहते हैं तो संबंध का अपने मन में स्मरण कर लो, याद कर लो। याद कैसे होगा? संबंध याद होगा, भूला हुआ, जन्म जन्म का भूला हुआ जो संबंध है उसकी सुध आवेगी सत्संग से। जब हम दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे तो माया का, ज्ञान का जो पर्दा हमारी आंखों पर लगा है, हमारे अंतःकरण में जो अंधेरा हो रहा ज्ञान का, वो सब मिट जाएगा और हमें अपना सत्य सनातन संबंध जो भगवान के साथ है वो हमें याद हो जाएगा और सारे संकट मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान को भूल गए, भगवान से बिछड़ गए, इसलिए तमाम तरह के झंझट में पड़ गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे इस बात को कि अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान से जोड़ो। तो महाराज भगवान की बड़ी दया है, ठाकुर जी की कृपा है कि भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध को याद दिलाने वाला सत्संग हम सबको प्राप्त हो रही है। सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है,
एक तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है और उस मनुष्य शरीर में भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग, भगवान की बात, ठाकुर जी की चर्चा, ये सबसे दुर्लभ है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है। भागवत जी की कथा चल रही है, उसमें द्वितीय स्कंद में 7वें अध्याय में हम सब पहुंच गए हैं। कल के सत्संग में श्री ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो हमने वर्णन किया, और अंत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भैया भगवान के जो अवतार हैं वे अनंत हैं। जहां जहां कोई विशेष बात, जहां जहां कोई विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति है, ऐश्वर्य है, उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए, भगवत स्वरूप समझना चाहिए। हे नारद जी, अंत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं 6वें अध्याय के अंत में कि हे नारद जी, इनके सिवाय परम पुरुष परमात्मा के प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं, जो परम पवित्र हैं, उनको श्रवण करने से जीव के सारे कल्मष, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। उनके चरित्र सुनने में बड़े ही मधुर हैं और श्रवणेंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर के उनका रस लो। प्राधान्यतो यान रसामनन्ति लीला बतारान पुरुषस्य भूमना आपियताम कर्णकषाय शोषा नानुक्रमिष्ये ननुक्रमिष्ये तैमान सुपेशान। हे नारद, तुमने की जो अमृतमयी मधुर कथा है उसका पान करो, उसका रस लो। कैसी कथा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यत्रोद्यता क्षितितलो धरणाय बिभ्रत् क्रोड़िम तनुम सकल यज्ञमयी मनंतः अंतर महार्णव उपागत मादिदैत्यम तम दंष्ट्रया द्रिमिव वज्रतोदार। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर लड़ने के लिए उनके सामने आया, और जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे। पहले महाराज पर्वतों के पंख हुआ करते थे, जो पहाड़ है ना, इनके पंख होते थे, उड़ते थे पहाड़, तो ये महाराज उड़ते थे और कहीं कहीं भी जाकर के ये पृथ्वी पर उतर जाते तो पृथ्वी को चकनाचूर कर देते थे। तो इंद्र ने महाराज इनका ये नाटक देखा कि तो कभी भी मन करता है उड़ते हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, और कभी जाकर के महाराज पृथ्वी पर कहीं वो हो जाते हैं। तो इंद्र ने इनके पर काट दिए, इंद्र ने इनके पंख काट डाले। वैसे ही श्री वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचे रजन यत् सुयमान सुयज्ञ आकूति सूनुरमरा नत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महति महरद्यदार्तिम स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। सबसे पहले वाराह भगवान के अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया, उसके बाद फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में यह अवतार भगवान ने लिया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से, जब भगवान यज्ञ नारायण बने तो
तो उनकी पत्नी हुई था, तो उन उनके गर्भ से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। यज्ञ नारायण भगवान को ही हरि कहा गया। हे नारद जी, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के बाद भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और उस अवतार में उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, आसक्ति की सारा कीचड़ धो करके कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान का तीसरा अवतार कपिल के रूप में हुआ और आगे महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया। इससे उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। भगवान ने कहा